सब्सक्राइब करें, यहाँ पढ़ो चैनल और ये घंटी बजाना न भूलें, जिससे अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। वो कहते हैं ना कि हुनरमंद इंसान की काबिलियत को आप कितना भी नजरअंदाज कर लो, पर एक ना एक दिन लोगों के सामने उभर कर आ ही जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की सफलता से उत्प्रोत है। इस शख्स को अपनी प्रतिभा का इम्तिहान देने के लिए भारतीय फिल्म जगत के कई प्रोड्यूसरों के सामने सर झुकाना पड़े, लेकिन सबों ने इसकी काबिलियत को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। चारों तरफ से अपनी प्रतिभा को नजरअंदाज होते हुए देख इस शख्स ने हार न मानते हुए अपना संघर्ष जारी रखा और आज लातिन अमेरिकी फिल्मों से अपने करियर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सफलता की ये कहानी बिहार के मोतिहारी जिले से ताल्लुक रखने वाले प्रभाकर शरण की है। प्रभाकर की हॉलीवुड फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। एक बैंकर परिवार में जन्मे प्रभाकर का प्रारंभिक जीवन पटना में ही बीता। 10वीं की पढ़ाई के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए हरियाणा चले आए। बचपन से ही अभिनय करने का शौक पाले प्रभाकर ने 12वीं की पढ़ाई के दौरान अखाड़ा जाने लगे और जिम ज्वाइन कर लिया। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रभाकर ने बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे। इन्होंने मनोज वाजपेयी के पिता की पैरवी वाली चिट्ठी लेकर मुंबई पहुंचे, लेकिन काम बन नहीं पाया। काफी जद्दोजहद के बाद भी जब उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने मुंबई छोड़ने का निश्चय किया। साल 1997 में एक फ्रेंड के बुलाने पर वह कोस्टारिका चले आए। इस नए शहर में जीवन जीने के लिए कई प्रकार के कारोबार करने शुरू कर दिए। शुरुआती दिनों में इन्होंने मुल्तानी मिट्टी, लकड़ी और अगरबत्ती का धंधा शुरू किया। कुछ दिनों तक इन कारोबारों में हाथ आजमाने के बाद प्रभाकर ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि इन तमाम बिजनेसों के बीच भी उनका प्यार फिल्म के लिए वैसा का वैसा ही जिंदा रहा और फिर इन्होंने फिल्म वितरण का धंधा शुरू किया। प्रभाकर भारतीय फिल्मों का लातिन अमेरिकी में जोरदार प्रमोशन किया करते थे। इन्होंने बॉलीवुड की 5-6 फिल्में खरीदकर रिलीज करवाईं। प्रभाकर बताते हैं कि वर्ष 2006 में उन्होंने लातिन अमेरिका में अक्षय कुमार की फिल्म गरम मसाला, कहुना प्यार है, बनारस जैसी फिल्म रिलीज की। उस समय वे 20 से 25 लाख रुपए में फिल्म खरीदते थे, जबकि आमदनी महज 2 से 3 लाख तक हुआ करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई भारतीय फिल्म निर्देशकों को बॉलीवुड के अंदाज में लातिन अमेरिकी में फिल्में बनाने के लिए भी आग्रह किया, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंत में थक हार कर उन्होंने खुद ही फिल्म बनाने की कोशिश की। प्रभाकर शरण कहते हैं कि भारतीय खून जब खोलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता ही है। 9 फरवरी 2017 को रिलीज फिल्म इन रेदादोस ला कन्फ्यूजन में प्रभाकर लीड रोल में हैं। इस फिल्म की कहानी को प्रभाकर ने खुद बॉलीवुड से प्रेरणा लेकर लिखी है। प्रभाकर इस फिल्म को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रिलीज करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अपनी जन्मभूमि बिहार के खास तौर पर वो इस फिल्म को भोजपुरी भाषा में भी रिलीज करेंगे। प्रभाकर ने कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प और कभी ना हार मानने वाले अपने जज्बे की बदौलत सफलता हासिल की। यह कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।